स्थिर रूप से होते हुए दिख रहे हैं या आपातकाल लगाने की नौबत आ सकती है, ऐसा आपको लग रहा है नटवर जी? इमरजेंसी जी, आपको वहां पर चुनाव स्थिर रूप से होते हुए दिखाई दे रहे हैं या आपको लग रहा है कि अनरेस्ट होगा? आपको लगता है चुनाव आराम से वहां पर हो जाएगा या फिर इमरजेंसी आपातकाल लगाने की नौबत आ सकती है? पहले तो ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है, फिर चुनाव होंगे 90 दिन के बाद। अब पता नहीं 90 दिन के अंदर क्या होता है, ये रहते हैं कि नहीं, और क्या बवाल खड़ा होता है वहाँ कि लोग सड़क पे आते हैं कि नहीं। मान लीजिए चुनाव हो गए तो अभी ये पता नहीं कौन जीतेगा उस चुनाव के अंदर, क्योंकि इनके पास इस वक्त 142 सीट है असेंबली में और विपक्ष के पास है 199, तो पता नहीं नतीजा क्या निकलेगा। ये प्राइम मिनिस्टर रहेंगे कि नहीं और फिर इनकी सरकार चलेगी कि नहीं, यही नहीं पता पहले। यशवंत जी, जो सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था, जब आम ही कहती है कि हमारा इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, जो भी राजनीतिक हलचल है, सियासी हलचल है, वो नेता जाने, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं कि रियल पावर, असल जो ताकत है, वो पाकिस्तान में डीप स्टेट के पास है। अब ऐसे में मेरा सवाल आपसे यह है कि जब जब अस्थिरता होती है, भारत के अगेंस्ट रेटरिक, जो सवाल मैंने नटवर जी से भी पूछा था, बढ़ जाता है, इसको किस तरह से देखें? देखिए, अभी तक जो रेटरिक आया है उसमें आप देखें तो इमरान खान एक तरह भारत की जो व्यवस्था है, विदेश नीति है, उसकी उसके बारे में अच्छी बातें कहते रहे हैं। हाँ, दूसरी तरफ जनरल बाजवा जो उनके सेनाध्यक्ष, वो भी हालिया में उन्होंने जो बयान दिया है वो कहा है कि भारत के साथ डिप्लोमेटिक ढंग से शांति स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए। तो अभी तक एंटी इंडिया रेटोरिक वहां पर आया नहीं है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है पाकिस्तान में कब क्या हो जाएगा। और मुझे लगता है कि फौज का पूरा नियंत्रण अब वहां की स्थिति पर हो जाएगा, सब कुछ फौज कंट्रोल करेगी, चुनाव हो या नहीं हो। और इसमें भारत को किससे खतरा है? पाकिस्तान के आवाम से खतरा नहीं, पाकिस्तान की फौज से खतरा है। और भारत के प्रति अगर उन्होंने शत्रुता का भाव आज तक बना के रखा हुआ है तो उसके पीछे पाकिस्तान की फौज रही है। तो इसलिए पाकिस्तान के फौज का एटीट्यूड क्या होगा, ये प्रश्न चिन्ह है आने वाले दिनों के लिए। अभी तक का जो रेटोरिक है वो एंटी इंडिया नहीं रहा है। फॉरेन पावर को जो उन्होंने ब्लेम किया है वो भी अमेरिका को ब्लेम किया है, एक एक्सेप्शन हुआ है इस बार को, उन्होंने भारत को ब्लेम नहीं किया है अभी तक। लेकिन ये सब कहने के बावजूद मैं ये कहूंगा कि हम लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हम किसी चीज पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और पाकिस्तान की फौज पर तो भरोसा नहीं कर सकते। नटवर जी, अब आखिर में एक दो सवाल हैं जो आप दोनों से मैं करना चाहती हूं। नटवर जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, हिंदुस्तान को ऐसे में क्या करना चाहिए? जब हम कहते हैं सतर्क रहना चाहिए तो हम तो इंतजार ही करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, वहां जो फैसला आता है, फिर जो भी गतिविधियां वहां की रहती है, हमें तो इंतजार करके देखना ही होगा कि क्या परिस्थितियां बनती है। नटवर जी, अभी जो यशवंत जी ने कहा ना, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं, उससे आगे कहने की जरूरत ही नहीं है। यशवंत जी, आपका नजरिया इस पर कि भारत क्या करे, कुछ कदम उठाने की जरूरत है किसी स्तर पर, या हम लोग अभी इंतजार करें कि सुप्रीम कोर्ट से क्या वहां पर आता है? क्योंकि लोकतंत्र का मुखौटा तो सर चाहिए ना यशवंत जी, चाहे अमेरिका से मौजूदा दौर में रिश्ते खराब कर लिए हो इमरान खान ने, लेकिन डेमोक्रेसी का एक मुखौटा तो पाकिस्तान को चाहिए ही। अगर उसे अमेरिका और पश्चिमी देशों से एड चाहिए होता है तो जो हाथ वो फैलाए रखता है उसके लिए एक लोकतंत्र का उसको सामने मुखौटा तो चाहिए ही होगा पैसे के लिए। यशवंत जी, देखिए, हम अभी जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के में जो आंतरिक स्थिति है, जो वहां हाल के दिनों में डेवलपमेंट्स हुए उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो आंतरिक मामला है पाकिस्तान का, हम उसको सावधानी से सतर्कता पूर्वक ढंग से देख रहे हैं, लेकिन उसमें भारत की कोई भूमिका नहीं है। हमको डेवलपमेंट्स को वॉच करना पड़ेगा,
उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले जोर देकर कहा कि हमें अपनी तैयारी पूरी तरह से करके रखनी पड़ेगी कि अगर वहां पर परिस्थितियों में परिवर्तन होता है और कोई एंटी इंडिया एटीट्यूड वहां डेवलप करता है, वहां की फौज कोई मिसएडवेंचर करती है, तो फिर उसका जवाब देने के लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत बराबर उसके लिए तैयार रहता है, चाहे वहां पर स्थिरता हो या वहां पर अशांति हो।